एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज 5.3 होगा। इससे पहले भी हम 5.3 के कुछ क्लास कर चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे, जो अब्सेंट रहे होंगे, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि वह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक, अब पूरा समझेंगे, पूरा सीखेंगे। तो हम लोग जो आज जो सीखने वाले हैं, वो जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 7 से पहले के क्वेश्चन को समझे हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक, है ना। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें 7वां में क्वेश्चन में जो कहता है वो दिया गया आपका a का वैल्यू 8, कितना दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ है 8, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, a का वैल्यू 8 है। उसके बाद nवां पद है, an का वैल्यू दिया गया वो कितना आपका है, तो वो आपका 62। उसके बाद Sn मालूम है, यानी कि n पदों का जो योग है वो आपका 210। तो जो निकालना है वो d का वैल्यू निकालना है, और निकालना हमें किसका वैल्यू निकालना है, सॉरी, तो निकालना है n का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू निकालना है। तो n बड़ा का होगा आपके, हमें वाट हो जाएगा, ठीक है। तो d का वैल्यू और n का वैल्यू, पहले n लिखा हुआ बाद में d लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे n और d का मान, ठीक है, बहुत ही आसानी से निकलने वाला है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, समझिएगा, पूरा बिल्कुल आसान लगेगा और आसानी से निकल भी जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू मालूम है, कौन कौन मालूम है देख सकते हैं आपको, nवां पद मालूम है और n पदों का योग मालूम है, दो चीज मालूम है। चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो nवां पद के जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में a भी आता है, d भी आता है और n भी आता है, जबकि d और n तो निकालना है, डबल चीजें यहाँ पे नहीं मालूम है। Sn का फॉर्मूला में शॉर्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई कीजिएगा तो n बाय 2 और a और l आता है, l का वैल्यू तो मालूम है कितना, 62, a का वैल्यू भी मालूम है, तो यहां से आपका n का वैल्यू ये देके चला जाएगा, कौन, Sn से आपका निकल जाएगा n का वैल्यू, कैसे निकलेगा देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि Sn बराबर क्या है मालूम है आपको, 210, ये है तो आपका क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे देख सकते हैं Sn का एक फॉर्मूला होता है जिसको शॉर्ट फॉर्मूला भी कहते हैं, लॉन्ग फॉर्मूला भी होता है, बात आपका वही पहुंचेगा, इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस में l, ठीक है, इक्वल में कितना होगा आपका 210। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू मालूम है का देख सकते हैं, n का वैल्यू नहीं मालूम है तो n का n बाई 2 का 2 लिखिएगा, उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो a का वैल्यू कितना है देख सकते हैं 8 है, अब प्लस l का वैल्यू कितना देखिएगा, इसी को तो l कहते हैं, जो an होता है, an और l का वैल्यू दोनों का होता समान होता है, एक जैसा होता है, यानी कि एक ही होता है, तो कितना आपका 62, इक्वल में कितना 210 है। अब देखिए यहाँ पे n बाई 2 का n बाई 2 यहाँ पे होगा इंटू, यहाँ पे इंटू होता है गुना होता, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 और 62 मिलकर हो जाएगा आपका 70, कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होके हो जाएगा 35, यानी कि 35। क्लियर है पूरा, चूंकि पूरा क्लियर होगा, बहुत ही आसान है और क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो समझते चलिएगा ध्यान पूर्वक, नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा, कॉपी पेन है ना, और जब क्लास खत्म हो जाएगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन जब एंड हो जाए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो अब उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे याद से, ठीक है। तो ये आपका जो बचा कितना 210 है। अब ये बताइएगा n के साथ जो 35 है वो किसमें है, गुना में है, निकालना किसका वैल्यू है n का, तो 35 को हम लोग करने वाले हैं बराबर के इस पर, उस पर 210 के पास है ना, इस पर जब ये गुना में है 35 n के,
इस प्रकार होगा, इसके भाग में हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन इक्वल 210 अपॉन 35, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि 35 दूना 70 होता, 35 दूना 70, 2 बार में 70 आएगा, और 70 तिया 210 होता है, ठीक है। तो 6 बार में संभवतः ये आपका डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 बार में कट जाएगा, तो आपका जो एन का वैल्यू आया, एन का जो वैल्यू आया वो कितना है आपका? 6 आया। क्लियर? इतना एन का वैल्यू कितना आया आपका? 6 निकल के आ गया। क्लियर दिखाई दे रहा है ना? यानी कि एन का वैल्यू कितना आ रहा आपका? 6 आ गया। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं, इस एन का फॉर्मूला लगाए और एन का वैल्यू हमको दे के चला गया। अब जब एन का वैल्यू निकल गया है और ए का वैल्यू मालूम है, तो ए एन के फॉर्मूला को यूज करेंगे और आसानी से डी का मान इससे निकल जाएगा। देखिएगा, समझिएगा कैसे निकलता है डी का वैल्यू। क्रॉस कर देते हैं, लिख देते हैं फिर अगेन, है ना। आपको ए एन का वैल्यू मालूम है कितना है, वो 62 है। लिख देते हैं यहाँ पे, ये ए एन का मतलब हुआ इनवापद। इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को लिख दीजिए यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में होता है डी इक्वल में कितना आपका? 62। ये जो इतना आया है वो किसकी जगह पे आया? ए एन की जगह पे आया। ये जो आया था इतना किसकी जगह पे? एस एन की जगह पे, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है। मान डाल दीजिए और आपका आंसर आ गया। मान डालिए तो ए का वैल्यू कितना? 8 है। क्लियर? इतना 8 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। एन का वैल्यू कितना देख सकते हैं? एन का वैल्यू कितना यहाँ पे आंसर भी कर सकते हैं। एन का वैल्यू कितना? 6 है। माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना? वाट है, निकालना है। डी का डी इक्वल में 62 का 62। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है कि पहले जब बराबर का जो ट्रांसफर करेंगे हम लोग, वो किसका करते हैं? ए के मान को करते हैं। तो ए का मान कितना? 8। 8 को कर देंगे बराबर के उस पार। तो इस पार जो बच जाएगा वो 5 में से 6 में से 1 घटेगा, कितना जाएगा आपका? 5 गुना में क्या बच जाएगा आपका? डी। क्लियर है? ये 5 हो गया डी 62, ये हो जाएगा आपका माइनस में 5। क्या हो जाएगा आपका? माइनस में 5 हो जाएगा। अब जब इसको माइनस जैसे ही कीजिएगा तो ये आप एक बार और लिख लेते हैं, 5 गुना डी, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका? 57। कितना होगा आपका? 57 हो जाएगा जब आप 62 में से 5 को माइनस कर दीजिएगा। तो क्लियर है तो ना? चलिए, क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार डी का मान को। तो डी बराबर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 57 यानी कि 57, और ये मल्टीपल में है 5, तो इसको चूंकि डी का मान निकालना, और जिसका वैल्यू निकालना हो वो बराबर के एक तरफ का होता है, सिंगल यानी कि अकेला होता है, तो 5 को कर देंगे उस पर, ये गुना में तो आ जाएगा इसके भाग में। अभी तो 5 से का ये डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, है ना। और दशमलव में आप कर नहीं सकते हैं, ज्यादा अगर कीजिएगा तो इसको आप मिश्र भिन्न यानी कि पूर्णांक में लिख सकते हैं। फिलहाल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप हम कल भी बताएं यानी कि पिछले क्लास में बताया, इसीलिए आप लिख सकते हैं एन बराबर 6 जो कि यहाँ आया था। एन का वैल्यू कितना? 6। और डी का वैल्यू आया यहाँ, डी इक्वल में 57/5, और इस तरह से करके कर दीजिए यहाँ पे आंसर। दोनों आंसर एक साथ हो जाएगा तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से निकल गया। एस एन से निकल गया आपका एन का वैल्यू, और ए एन से निकल गया आपका डी का वैल्यू। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कर लेते हैं इसको साफ, स्क्रीनशॉट लेना हो जिनको जल्दी से ले लें स्क्रीनशॉट, है ना। फिर बाद में आप नोटबुक में सबको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए तो ये तो इसको साफ कर देते हैं यहां से। तो जब तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त आपके क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों के साथ पढ़ने में क्या होता है खूब मजा आता है ना। चलिए, तो जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी समय पे कर सके, है ना। चलिए, तो ये हो गया साफ। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 3 का 8वां क्वेश्चन है ना। तो 8वां नंबर में कहता क्या उसको देख लेते हैं हम लोग। तो 8वां नंबर है आपका, ये रहा 8वां का नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, एन का वैल्यू 4 दिया गया। एन का वैल्यू 4 है, लिख देते हैं यहाँ पे एन इक्वल में 4, ठीक है। फिर जो आपका डी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 2 है, डी इक्वल में 2, ठीक है ना। फिर जो है आपका एस एन का वैल्यू -14 है, एस एन इक्वल है -14, जो रहेगा वही दीजिएगा। चिन्ह भी बहुत मायने रखता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। निकालना हमें एन का वैल्यू और ए का वैल्यू है, तो एन बराबर वाट कर लेते हैं और आप डी कर लेते हैं यहाँ पे क्या, डी बराबर वाट, ठीक है। एन बराबर वाट कर लेते हैं और कर लेते हैं डी बराबर क्या, वाट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि एन का वैल्यू और डी का वैल्यू हमें निकालना है बिल्कुल आसानी से। यहां भी निकलेगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से निकलेगा और आपको पूरा पूरा समझ में भी आएगा, ठीक है। सिर्फ आप ध्यान से स्टडी पे ध्यान रखिएगा, आपको पूरा मैथ समझ में आएगा और बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एस एन यहाँ पे कितना है, -14 है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिसिंग कुछ लग रहा है, यहाँ पे एन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका डी नहीं, ए का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू, क्योंकि डी का वैल्यू तो मालूम है कि नहीं है। तो ए का वैल्यू निकालना है ना, और यहाँ पे देख सकते हैं, और एन का वैल्यू भी निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी में बन जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो हम लोग जो सबसे पहले दिया गया आपका एन, क्या मालूम है, एन मालूम है, उसको यूज कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि एन का वैल्यू आपका कितना 4 है, देख सकते हैं यहाँ एन का वैल्यू 4 है। एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबको याद होगा फॉर्मूला, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, डी होता है, इक्वल में क्या आपका 4 है, तो 4। इतना क्लियर है सबका, क्लियर होगा ही बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का वैल्यू कितना दिखाई पड़ रहा है क्या, नहीं मालूम है, देख सकते हैं वाट का सिंबल है, ए का ए रहेगा। एन का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, एन का एन रहेगा, माइनस वन का वन, और डी का वैल्यू मालूम है कितना 2 है, इक्वल में 4, तो 4, ठीक है ना। ए का ए, एन का एन, डी का वैल्यू मालूम है, ऐसे यहाँ पर लिख दिया। तो जैसे अब देखिएगा थोड़ा सा और ध्यान से, ए का ए 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को एन से गुना कीजिए तो प्लस में 2n होगा, और 2 को माइनस वन से गुना कीजिए तो माइनस में 2 होगा, इक्वल में 4 है तो 4 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एन वाला है, या ये सॉरी ए वाला है, या आपका एन वाला है, या आपका क्या है 2 है। तो 2 काउंटिंग वाली संख्या नंबर होता है, तो उसको भेज दीजिए बराबर के उस पार। तो इस पर आपका बच जाएगा ए प्लस में 2n, क्या 2n इक्वल हो जाएगा ये 6, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये समझ में सबको आ गया होगा। चलिए, यानी कि ए प्लस में 2n इक्वल में कितना आ गया आपका 6 आ गया। 6 कैसे आया, 4, ये उस पर जाके प्लस में 2 यानी कि हो जाएगा 6। ज्यादा अगर आप कीजिएगा ना, तो आप इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं और आगे आप लिख सकते हैं ए बराबर में, इसको भेज दीजिए अगर बराबर के उस पार, तो ए बराबर में हो जाएगा 6 माइनस में कितना 2n, कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2n। ऐसे ही रखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो वैसे कर लेंगे, ठीक है। फिर कुछ दिया गया, फिर क्या मालूम है, देखिए तो S14 है ना, एस एन का वैल्यू कितना है, माइनस में 14 है। एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू मालूम है कितना 4 है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस में क्या होता है एल इक्वल में कितना, माइनस में 4, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख दीजिए, देखिए एन का वैल्यू मालूम है का, नहीं मालूम, निकालना यही है, तो एन बाय टू उसको क्या दिख रहा है आपको, ए, ए का वैल्यू मालूम है का, नहीं मालूम है, उसके बाद होता है प्लस एल का वैल्यू मालूम है, एल का वैल्यू कितना है आपका 4, अंतिम पद 4 है,
और आपको सबका योग कितना है, माइनस में 4 है, माइनस है 4 कर देते हैं। अब आपका पता होगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा क्या करने वाले हैं, ये 2 जो है सबके डिवाइड में है, 2 को कर देते हैं बराबर के उस पार, तो हो जाएगा इसके गुना में। इस पार जो बच जाएगा वो हो जाएगा एन इंटू में ए प्लस में 4 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस 4 गुना 2, ये वाला 2 चला गया बराबर के उस पार, तो इस पार डिवाइड में है तो उस पर जाके गुना में हो जाएगा, वो आपका गुना हो जाएगा। ठीक है इतना। आप देखिए अगर आप n से गुना कीजिएगा, क्योंकि n से दोनों को गुना करना, आपका ये 4 लिखा हुआ है तो यहाँ तो थोड़ा सा हमको चेंज करना ही पड़ जाएगा, चेंज कर देंगे इसको। ठीक है इनको, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, जगह है मेरे पास बढ़ा देंगे। तो जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एन गुना ए आप प्लस हो जाएगा आपका 4n, कहा जाएगा आपका 4n, ठीक है 4n लिखा हुआ इक्वल हो जाएगा माइनस में 8। तो यहां से 4n हो गया या an हो गया, ठीक है तो आप यहां से निकाल सकते हैं आप अगर चाहें तो। ठीक है, या बेहतर वही है इक्वेशन नंबर 2 में जाइएगा अगर तो दिक्कत हो जाएगा। हम इसको यहां पे देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल में 6 माइनस में 2n, और इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। देख लीजिए यहाँ पे ए का ए लिखे हैं, सिक्स का सिक्स है, और 2n को उस पार कर दिया तो क्या होगा माइनस में 2n। और अब क्या करेंगे, जहां पे दिख रहा है ए, ए दिख रहा है ना, ए का वैल्यू कितना है, किसके बराबर आया, तो 6 माइनस 2n है ए का वैल्यू, रख देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा एन का मान। यहां पर लिख देते हैं एन, सॉरी ए का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान क्या देखिएगा एन इंटू में ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं 6 माइनस में 2n, क्या आपका 6 माइनस में 2n है, देख लीजिए 6 माइनस में 2n, ये आपका प्लस है 4n पहले से है इक्वल है माइनस 8 है तो माइनस 8। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीपल में था गुना में था तो n का n लिखे और a का वैल्यू लिख दिया 6 माइनस में 2n, प्लस में 4 तो प्लस में 4n हो जाएगा, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 हो गया। अब क्या करेंगे, n से दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए तो n को 6 से गुना किया तो आपका 6n, n को -2n से गुना किया तो होगा माइनस में 2n स्क्वायर, ये तो आपका प्लस में 4n पहले से है, अब माइनस में 8 है तो माइनस में 8 बराबर, सॉरी पहले बराबर देंगे बराबर माइनस 8। आप देखिएगा यहाँ पे नियम क्या कहता है, पहले स्क्वायर वाला को लिखते हैं, बिल्कुल लिखेंगे स्क्वायर वाले को, तो लिख देंगे इसको माइनस में 2n स्क्वायर, 6n प्लस में 4n भी प्लस हो जाएगा आपका प्लस में 10n हो जाएगा, और ये माइनस 8 उस पार है ना, इसको लिया ये इस पार तो जाएगा आपका प्लस में 8 इक्वल में 0। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले क्लास में भी हम एन का वैल्यू निकाले थे इस समीकरण से, है ना, उससे पहले देखिएगा तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं उभयनिष्ठ, है ना, इसमें कुछ कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन है तो 2 जो है ना कॉमन है, तो हम लोग -2 कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -2 ऐसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका एन स्क्वायर, माइनस से प्लस में डिवाइड कीजिए जाएगा -2 5 जा 10, एन का एन और आपका -4 इक्वल में 0। और अब जो है -2 को पूरा के ये क्या है, -2 मल्टीपल में है गुना में है यानी कि इंटू में है, 2 को कर देंगे बराबर के उस पार तो ये हो जाएगा 0 के बटा में यानी कि बन जाएगा आपका 0, तो ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में 5n, इसको इधर कर देते हैं साफ। ठीक है, साफ करने के बाद आपका यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है साफ कर देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ साफ करने के बाद हम यहाँ पे उसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। चलिए ये हो गया साहब, तो क्लास को जो लाइक नहीं किएंगे लाइक कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम से आपको बता रहे हैं, समझा समझा के पूरा समझ में आपको जरूर आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम बता रहे थे कि 2 -2 को उस पर भेजने वाले हैं, तो देखिए कैसे भेजेंगे, इधर बच जाएगा आपका n स्क्वायर, बच जाएगा आपका 5n, बच जाएगा -4 इक्वल में 0, अब बाय हो जाएगा -2, क्योंकि ये पूरा के क्या है इंटू में उस पर जाके हो जाएगा ये बटा में,
यानी कि बटा है मतलब ये जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, जीरो बराबर यहीं पे लिख दिया है जीरो। अब यहां से देखिए पहला गुना तीसरा पे कर सकते हैं, पहला गुना तीसरा पे आप कर सकते हैं यहां से, या जिसको हम लोग गुणनखंड विधि से कहते हैं, स्वयं द्विघात समीकरण का मूल निकालना, वही मूल ही तो है यहाँ पे, वहां एक शर्त आया कि आपका एन है तो एन का वैल्यू निकाल लेना। तो देखिए पहला को जब तीसरा से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा -4, कितना आएगा -4, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए कितना -5, और गुना करने पे आना चाहिए कितना -4। बताइए तो कौन सा अंक होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कि वह अंक कौन सा होगा। ठीक है चलिए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, एस एन का वैल्यू कितना है, एस एन का वैल्यू है आपका -14, कितना सॉरी यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिसिंग है, देख लीजिएगा पूरा में, एस एन का वैल्यू कितना आपका -14 था, -14 करना होगा यहाँ, -14 28 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 28, ये आपका हो जाएगा 28। ठीक है, जिस कारण से ये आपका हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपका माइनस में कितना 14, कितना होगा 14, और जिस कारण से यहाँ भी कितना होगा आपका 14। यहाँ आपका वन छूट गया था चूंकि ऐसा कितना 14 है, 14 है और 4 लिखा गया तो 14 कर दिया, यहाँ भी 14 कर दिया, अब कितना होगा 14 दूना 28 हो जाएगा, ये आपका -28 ही रहेगा, इस पर आके 28 ही लिखा हुआ है, फिर इसके साथ कुछ हुआ नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आसानी से लगा दिए हैं, 28 हो गया, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। आप लोग भी बिना कुछ कटिंग फटिंग किए हुए आप लगा सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी था। अब देखिए पहला गुना तीसरा में आइए, तो जोड़ने घटाने पे कितना -5, गुना करने पे कितना आपका आना चाहिए -14, तो वैसे कर सकते हैं, या नहीं तो आप कर सकते हैं कैसे, ए बी सी करके डी का मान निकाल के मूल्य निकालते, ठीक है वैसे ही कर देते हैं। ए का वैल्यू कितना होगा आपका 1, बी का वैल्यू कितना होगा आपका -5, और सी का वैल्यू कितना होगा -14, कितना होगा आपका -14 हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग डी का मान, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना दिखाई पड़ रहा है आपको, -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू -14 है, ये हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 14 चौक कितना होता है आपका 56 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 5 2 7 1 8, ठीक है 81 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 81। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि आप एन का वैल्यू, एन का वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस बी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, -5, इसलिए -5 हो गया यहाँ पे, प्लस माइनस हो जाएगा आपका 81 अपॉन 2a लिखा हुआ है ना, तो 2a का वैल्यू कितना आपका 1 है, 2 × 1, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से उस तरफ का ले लीजिए, क्योंकि उसका कर देंगे साफ, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा प्रोसेस है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अगर गुणनखंड में जाते हैं तो और थोड़ा सा छोटा हो सकता था, ठीक है, तो आपको अगर आता हो बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ समझिए बहुत इजी प्रोसेस में हम आपको बता रहे हैं, समझा समझा के हर हर आपको स्टेप बता रहा है, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो और अच्छे से समझ में आ जाए। यहां से फिर सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9, है ना, क्योंकि 81 का वर्गमूल कितना होता 9 होता, अब 22 कितना होगा आपका यहाँ पर 2 × 2, ठीक है। अब यहां से दो मान निकलते हैं, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा निकालिएगा तो इसको प्लस लेना पड़ता, तो प्लस लीजिए बता दो, अगर बीटा निकालिएगा तो इसको माइनस लेना पड़ता है, तो 5 - 9/2, आपका कितना 9 5 14/2 निकलेगा कितना 7, यहां निकालिएगा तो -4/2 निकलेगा -2। अब पिछले क्लास में भी आपको हम बताए हैं कि एन का जो वैल्यू होता है वो माइनस में नहीं होता, ठीक है, पदों की जो संख्या होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो आपका जो आंसर निकल के आया, यानी कि एन का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, 7 आया, 7 को ही हम लोग आंसर मानेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एन बराबर कितना 7 आंसर कर लेते हैं। ये जो निकल का आया है वो निकल का आया किसका वैल्यू, एन का वैल्यू, ठीक है, बहुत ही आसान है प्रोसेस है,
बस आप प्रोसेस करते जाएंगे, आपका बनता जाएगा और आपका आ जाएगा इन बराबर कितना, 7 और -2। चुन लेना है किसको, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को, छोड़ देना किसमें, इन के मान में, ठीक है। अब बात करेंगे किसमें, ए के मान में। किसके बात करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान जो निकालेंगे तो किसको यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एसएन अभी यूज किया, किसको यूज किए थे, एसएन का फॉर्मूला आया था ना सबसे पहले, तो हम लोग एन, एन का फॉर्मूला कितना है यहाँ पे दिया हुआ, एन का मान 4। अब बीच में आपको समीकरण एक आया था यहाँ पे, ठीक है, समीकरण एक आया था, याद होगा सबको, सबके सबके पास होगा ये समीकरण। तो n का वैल्यू समीकरण एक में डाल देंगे तो a का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं n का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, किस रखने पर, समीकरण एक में, और समीकरण जो एक था वो था a बराबर में 6 - 2n। समीकरण एक क्या था, a बराबर 6 - 2n, याद कीजिए यहाँ पे था, उसको मिलाना पड़ा, देखिए एक दिख रहा है आपका, है ना, दिखा हुआ, तो आपका आ जाएगा a बराबर 6 - 2 और n का वैल्यू कितना आया 7, तो आपका आ जाएगा 6 - 14 यानी कि निकल के आ जाएगा माइनस में 8। कितना निकल के आ जाएगा आपका, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस में 8, निकल के आएगा a का वैल्यू कितना आया -8। क्लियर है ये, समीकरण एक डाल दिए, लिख दिया पे n का मान समीकरण एक में रखने पर, एन जहां था वहां रख दिए 7, 7 × 2 = 14 और 6 + में घटा देंगे माइनस में 8। और इसको बेहतर करने के लिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए एन बराबर कितना 7 और ए बराबर कितना -8, और इस तरह से करके कर देंगे इसका फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 3 का 8। सबको 100% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, तो सब लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। तो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा 9, जिसको 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 जो है ना हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। कब सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी आपका बचा हुआ है या आप जो नहीं पढ़ चुके नहीं पढ़े हैं, सब क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप अपनी तैयारी समय रहते कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।